टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इतनी उबलती हुई गर्मी में आप लोग मजे में होंगे। मजे में क्या होंगे, एनीवेज इतनी भरी हुई गर्मी में मैंने सोचा चलो आपके थोड़े पैसे बचाए जाए, एक तरह से थोड़ी सी ठंडक पहुंचाए जाए। तो यस, आज का वीडियो होने वाला है रिग्रेट बाइंग वीडियो वॉल्यूम 2। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो किया है रिग्रेट बाइंग पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, चेक करें। और या अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को हिट कर दे ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। विद दैट सेड, लेट्स गेट मूविंग। शेयर करने वाली हूँ वो चीजें जो मेरे हिसाब से आपको नहीं खरीदनी चाहिए और उन पर पैसा लगाना एकदम वेस्ट है। सो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। और यस, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट से, दैट इज हर्बल एसेंस शैम्पू। इसका मैंने रिव्यू और केवाईपी दोनों दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इट्स अ 400 ml प्रोडक्ट वर्थ 600, और ये आप बड़े आराम से आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। और प्रोडक्ट क्लेम करता है रिपेन आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को कि ये बालों को रिपेयर करता है, ये ऐसा कुछ नहीं करता। यस, बालों को स्मूथ कर देता है, बट साथ ही साथ ये आपको हेयर फॉल भी दे देता है, जो कि सीरियसली एक मेजर इशू बन सकती है किसी के लिए भी। एंड हर्बल एसेंस में सीरियसली आप लोगों को भी पता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, हर्बल के साथ साथ बहुत कुछ केमिकल है, तो इट इज नॉट प्योर हर्बल। सो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है SSCPL हर्बल्स का जेंटल बेबी केयर थेरेपी बेबी शैम्पू। एंड या ये मैंने नायका से खरीदा था। आप लोगों को मालूम ही है कि मुझे बेबी केयर रेंजेस जो होती हैं उनके बारे में एक्सप्लोर करना और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में एक्सप्लोर करना, पता लगाना कौन सी सेफ है कौन सी नहीं, कितना अच्छा लगता है। एंड लाइक KYP सारी उसी चीज पे बेस्ड है। तो यस, ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए मंगवाया था। एंड इट्स अ हर्बल कंपनी, ऐसा ये प्रोडक्ट क्लेम करता है, ये कंपनी क्लेम करती है। और इट्स अ पैराबेन सल्फेट SLES फ्री शैम्पू, और ये मुझे बड़े आराम से मिल गया था 72 rupees में, जबकि इसका MRP इज 80 rupees। और प्रोडक्ट क्लेम्स की बहुत ही ज्यादा जेंटल है, तो सीरियसली कहूँ मुझे नहीं लगता। और मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट में यूज हुए मेजरली जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो हाइड कर लिए गए हैं, वो बताए नहीं गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बताया नहीं जा सकता था, यहाँ अच्छे से बताया जा सकता था, बट इन्होंने सिर्फ 4 इन्ग्रीडियंट्स के नाम पे ये सारी जगह घेर ली और मेजर कंपाउंड्स जो इसमें यूज हुए उनको छुपा लिया। सो ये सब इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये कोई बहुत ही खास शैम्पू नहीं है जो कि लाइक आप अगर हर्बल ढूंढ रहे तो आपको ये यूज करना चाहिए। इवन केमिकल शैम्पू से भी बेकार शैम्पू था ये। ये कुछ नहीं करता, सिर्फ झाग बनाता है, उसके अलावा ये कुछ नहीं करता, ना सर साफ करता है ना मुंह साफ करता है, कुछ नहीं साफ करता ये। और या इट्स जस्ट अ वेस्ट प्रोडक्ट। सो अब हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज हिमालया हर्बल रिफ्रेशिंग एंड क्लैरिफाइंग टोनर। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने इसे क्यों यूज नहीं किया, क्या वजह थी। यहाँ आई बटन पे भी आपको ये दिख जाएगा, अगर आप देखना चाहे तो जरूर देखें। बट यस, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप अपना इन्वेस्टमेंट इस पे दें। या ये बहुत ही अफोर्डेबल टोनर है, लेकिन उसके साथ जितना ये अफोर्डेबल है उतना ही ये हार्मफुल भी है। और ये 83 rupees इसका MRP है, और ये बड़े आराम से आपको डिस्काउंट में 60 to 80 rupees के बीच की प्राइस में मिल जाएगा। बट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि आप अपना पैसा इस टोनर पे बर्बाद करो। इवन इसी प्राइस में और भी बहुत अच्छे टोनर्स आ जाते हैं, सेफ टोनर्स आ जाते हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं, बट ये नहीं। अब आते हैं हमारे फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज ट्रेस्मे हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू एंड कंडीशनर। इसका ऑब्वियसली हमने कॉम्बो खरीदा था, और ये कॉम्बो हमें नियर अबाउट 500 कुछ का पड़ा था, 569 और 96 का। और यस, हेयर फॉल डिफेंस मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई शैम्पू कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ नाम के लिए हेयर फॉल कंट्रोल होता है,
कुछ ये हेयर फॉल नहीं कंट्रोल करता, सिर्फ फ्रेग्रेंस अच्छी है इसकी और अच्छे से सिर क्लीन कर देता है, बट या हेयर फॉल में कोई फायदा नहीं देता। एंड या इट्स अ गुड कंडीशनर, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हो, बट अगर आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इसे लगा के हेयर फॉल कंट्रोल कर लोगे, ये भी कुछ वैसा नहीं है। बट येस, ये आपके बाल बहुत अच्छे से स्मूथ सॉफ्ट कर देगा, बट हेयर फॉल में ये कुछ हेल्प नहीं करने वाला। और इसके साथ एक बेनिफिट हुआ था, ये कॉम्बो हमने खरीदा था और उसके साथ हमें मिला था एक स्ट्रेटनर, और दैट स्ट्रेटनर इज रियली हैंडी, लाइक बैग में डाला और कहीं भी लेके चले गए। सो इसको खरीदने का एक ही फायदा था, सिर्फ एक स्ट्रेटनर मिला जो कि हम ट्रैवल के टाइम पे अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, बाकी ये कुछ काम नहीं करता। अब आते हैं हमारे फिफ्थ प्रोडक्ट की तरफ, जो कि अगेन शैम्पू, एंड इसके बारे में मैंने आपको रिव्यू भी दे रखा है और KYP भी दे रखी है, आप जाके जरूर चेक करें। और ये इसका MRP होगा इस कॉम्बो का नियर अबाउट 650 के आसपास, और ये बड़े आराम से हमें 400 to 450 में मिल गया था, 450 के अंदर ही ये हमें मिल गया था, लेकिन 400 से अबव। और इसका क्वांटिटी है 650 ml और इसका क्वांटिटी है 180 ml, और ये हमने कॉम्बो ही खरीदा था, एंड येस अगेन कुछ काम नहीं करता है। और या इस बार हमने बहुत सारे हेयर फॉल से रिलेटेड शैम्पू ट्राई किए, एंड दिस वन इज डव हेयर थेरेपी हेयर फॉल रेस्क। तो यस, ये कुछ काम नहीं करता है, बट यस इट हैज एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा है। और या इट जस्ट अ बेसिक कंडीशनर जो बालों को स्मूथ तो कर देता है लेकिन फॉल होने से नहीं रोकता, बाल स्टिल इसे यूज करने के बाद भी झड़ते हैं और शैम्पू को यूज करने के बाद भी झड़ते हैं। और यस, इसका रिव्यू और KYP आप डिस्क्रिप्शन में अगर देखना चाहे तो लिंक आपको मिल जाएगा। दैट्स इट गाइज, ये थे वो प्रोडक्ट जो कि आपको मेरे हिसाब से नहीं खरीदने चाहिए, जिनका मुझे यूज करने पर कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक फायदा हुआ, वो थी जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए थी वो मैंने अपने बेस्ट वे में आप तक पहुंचा दी। और यस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो डेफिनेटली अच्छा अपने आप ही लग जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको ढेर सारे लाइक दे दो और अपने फैमिली फ्रेंड्स नियर्स डियर्स कुत्ता बिल्ली एनाकोंडा सबके साथ शेयर कर दो। और कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन या क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखो, कुछ डिटेल में है तो मेल कर दे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को हिट कर दो। आई मीन इफ यू आर ओके विद नोटिफिकेशन, अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो ठीक है आप बेल बटन कर दो, अगर आप नोटिफिकेशन नहीं चाहते हो तो बेल बटन रहने दो, नो प्रॉब्लम। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।